बहरोड़ में नवरात्रों में मनसा माता के दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। यहां पर भक्तों ने 100 किलो चांदी का दीवार पत्र चढ़ाया तो यहां पर 656 साल पुराने मंदिर की कहानी भी अनोखी है। ये रिपोर्ट देखिएगा। बहरोड़ में दिल्ली जयपुर हाईवे पर बसगांव दहमी में स्थित मनसा माता का मंदिर आस्था का एक बड़ा केंद्र है। साल में दो बार यहाँ मेला लगता है। ग्रीष्म एवं शारदीय नवरात्रों में आयोजित मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंचकर माता के दरबार में मनौती मांगते हैं। नवविवाहित जोड़े यहां पहुंचकर गठजोड़े की जात लगाते हैं, साथ ही नवजात शिशुओं का मुंडन भी करवाया जाता है। माँ मनसा देवी का आशीर्वाद क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक के ऊपर है और क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक माँ मनसा को अपने इष्ट देवी के रूप में मानते हैं। और इन नवरात्रों के अवसर पर माँ का लक्खी मेला भरा जाता है। कमेटी के द्वारा भारत के प्रत्येक क्षेत्र से यहाँ अनन्य असंख्य भक्त माता के लाखों भक्त माता के दरबार में हाजिर लगाने के लिए आते हैं। करीब 656 वर्ष पुराने आस्था के इस केंद्र की अनोखी कहानी है। लोगों का मानना है कि एक विकलांग रत्ना नामक ब्राह्मण यहाँ गायों को चराता था। वो यहाँ ध्यान भी लगाता था, इसी दौरान माता ने उसे दर्शन दिए थे। माता मनसा देवी मंदिर का प्रादुर्भाव मूर्ति का प्रकट होना बहुत समय पहले, हमारे बाबा रत्ना नाम के पुजारी थे जो गांव की गाय चराते थे, उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर के कैर के वृक्ष को पाड़ करके माता जी ने अपना प्रकट रूप साक्षात रूप बाबा रत्ना को दिखाया और अपना नाम उन्होंने मनसा देवी बताया। मंदिर बनाने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। हरियाणा के नारनौल के रहने वाले व्यापारी शोभाराम माँ भगवती का भगत था। उसकी कोई संतान नहीं थी। मनसा माता ने उसे दर्शन दिए और उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई। तब उसने यहाँ सन 1437 में मंदिर बनवाया। उसी समय से बाबा रत्ना ने माता जी का एक मिट्टी पर स्थित कर करके मंदिर की जो है सेवा पूजा चालू कर दी। बाबा रत्ना ने अपनी इच्छा माता जी के सामने प्रकट की। माता जी, जंगल का स्थान है, यहाँ पर आपका एक मंदिर का निर्माण हो जाए तो बहुत अच्छा है, किसी भक्त को इस प्रकार से आशीर्वाद दो कि आपका मंदिर का निर्माण करा दे। यहाँ माता के दर्शन करने हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कोलकाता सहित प्रदेश के विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। जितेंद्र नरुका, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बहरोड़।